So this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. How are you all? Hopefully you all would be good. आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं. जैसे हम अधिकतर बोलते हैं ये कौन सा तरीका है खाना खाने का, उससे बात करने का ये कौन सा तरीका है, बैठने का ये कौन सा तरीका है. अधिकतर घर के बड़े लोगों से हमें ये सुनने को मिलता है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या ऐसे सेंटेंसेस में हम ये कौन सा तरीका है के लिए हम क्या लिखते हैं. लेट्स सी, ये कौन सा तरीका है या फिर ये कौन सा तरीका था, प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में हो सकता है. एज, ये कौन सा तरीका है खाना खाने का, ये कौन सा तरीका है स्टार्टिंग में भी आ सकता है, और ये बाद में यानी वर्क बाद में हो सकता है, या फिर वर्क पहले और ये बाद में हो सकता है. एज, ये कौन सा तरीका है खाना खाने का, या फिर खाना खाने का ये कौन सा तरीका है. तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, हम वही स्ट्रक्चर यूज करेंगे. बड़ों से व्यवहार करने का ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका था उससे बात करने का. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पास्ट में है, बाकी ये हमारे प्रेजेंट में है. तो देखिए स्ट्रक्चर हम क्या यूज करेंगे. व्हाट, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, प्रेजेंट का होगा तो इज, पास्ट का होगा तो वाज. पहले व्हाट प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वाज, प्लस दी वे. व्हाट इज दी वे, व्हाट वाज दी वे, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. टू लिखेंगे जो वर्ब आई होगी फर्स्ट फॉर्म में, अदर वर्ड्स में अगर कुछ बचा हुआ होगा होगा तो लिख देंगे, और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे. एज, ये कौन सा तरीका है खाना खाने का, तो फर्स्ट व्हाट, आफ्टर दैट प्रेजेंट का है तो इज, व्हाट इज द वे, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू खाना खाने का, टू ईट फूड. बड़ों से व्यवहार करने का ये कौन सा तरीका है प्रेजेंट का है तो फर्स्ट व्हाट इज द वे, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म व्यवहार करने का, बिहेव, बड़ों से बिहेव दी, बड़ों से इल्डर्स. नेक्स्ट इज, ये कौन सा तरीका था उससे बात करने का, देन फर्स्ट था पास्ट का है तो पास्ट में वॉज का यूज करेंगे, तो हो जाएगा व्हाट वॉज, व्हाट वॉज दी वे, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म बात करने का, टू टॉक किससे, उससे, टू हिम, टू हिम. तो माय यार डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये कौन सा तरीका है बोलने का, ये कौन सा तरीका है बैठने का. तो अगर प्रेजेंट का है तो फर्स्ट व्हाट, प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वाज, प्लस दी वे, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड है तो. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकूं और आपके फ्रेंड तक पहुँच सकूँ. तो चलिए गाइस, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं. मिलते हैं आपसे हम कल ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ. बाय टू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी.